दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि ईपीएफओ ने अपने पीएफ मेंबर्स के लिए एक नई सुविधा की शुरुआत की है। अब आपको अपना डेट ऑफ एग्जिट यानी डेट ऑफ लिविंग मार्क करने या डालने के लिए अपने एम्प्लॉयर के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। तो अब आप खुद से भी अपना डेट ऑफ एग्जिट यानी डेट ऑफ लिविंग मार्क कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में डेट ऑफ एग्जिट यानी डेट ऑफ लिविंग कैसे मार्क कर सकते हैं, कैसे डाल सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले अपने यूएन और पासवर्ड के मदद से ईपीएफओ का मेंबर पोर्टल लॉगिन कर लेना है। इसको साइन इन करते ही मेंबर पोर्टल का होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैनेज वाले मेन्यू में जाना है। इसके बाद सबसे नीचे वाला ऑप्शन मार्क एग्जिट में आना है। इस पर क्लिक करते ही ये अगला पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना है। अपना एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करने के लिए इस डाउन ड्रॉप एरो पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपका एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स मिलेगा। आपको यहाँ पर उस मेंबर आईडी को सिलेक्ट कर लेना है जिस पर आप अपना डेट ऑफ लिविंग डालना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप उन्हीं मेंबर आईडीज में डेट ऑफ एग्जिट मार्क कर पाएंगे जिसमें 2 या उससे अधिक महीनों का कंट्रीब्यूशन पेड नहीं हुआ हो, नहीं तो आपको इस तरह का एरर देखने को मिलेगा। तो आप उसी मेंबर आईडी को सिलेक्ट कर ले जिस पर 2 या 2 से अधिक महीनों का कंट्रीब्यूशन पेड नहीं हुआ हो। इसको सिलेक्ट करते ही ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेंबर आईडी, एस्टेब्लिशमेंट का नाम और सबसे जरूरी चीज लास्ट कंट्रीब्यूशन मंथ का नाम, यानी यही आपका डेट ऑफ लिविंग मंथ होगा जो कि यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत अच्छी सुविधा दी जाती है कि जैसे ही आप यहाँ सिलेक्ट पर कर्सर लेकर जाएंगे तो ये नोट डिस्प्ले होगा। You can select any date of last contribution month by employer. इसका मतलब है कि आपके employer द्वारा paid last contribution month के किसी भी date को आप अपने date of living के लिए select कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी date को select कर लेना है। उसके बाद एक बार फिर उसी तारीख को re-select कर लेना है। अब यहाँ पर आपको reason of exit select करना होगा। यहाँ पर आप इस down drop arrow पर click करेंगे तो बहुत सारे रीजन मिल जाएंगे, तो आपको अपने हिसाब से रीजन सिलेक्ट कर लेना है। रीजन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने से पहले यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, इसे केयरफुली रीड कर लेना है। इसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करते ही अलर्ट डिस्प्ले होगा, इसे यस कर देना है। इसको यस करते ही आपके यूएन रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दी जाएगी। ओटीपी आने के बाद यहाँ ओटीपी एंटर कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर चेक इन कर लेना है, फिर सबमिट कर देना है। इसको सबमिट करते ही फिर से एक बार आपको एक अलर्ट डिस्प्ले होगा। इस अलर्ट में पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट करना चाहते हैं, तो अपडेट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से एक अलर्ट डिस्प्ले होगा जिसमें बताया जा रहा है कि आपका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो चुका है, तो इसे ओके कर देना है। इसको ओके करते ही इस पेज में आपकी डेट ऑफ एग्जिट सीडिंग हिस्ट्री डिस्प्ले होगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपना डेट ऑफ एग्जिट खुद से डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जल्द मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।